उत्तर प्रदेश के एटा जिले में महज 13 साल की बेटी से 2 साल तक उसके पिता ने ही दुष्कर्म किया। बंधक बनाकर हैवानियत की गई। पिता के चंगुल से किसी तरह छूटकर किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने 6 महीने में ही सुनवाई पूरी करके शनिवार को दंडादेश जारी कर दिया, जिसमें दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। थाना अलीगंज में 3 अगस्त को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी माँ किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई थी। जब वो 11 साल की थी तब से उसके पिता का व्यवहार बदल गया। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ 2 वर्ष तक अवैध संबंध बनाता रहा। उसको धमकाकर बाईपास स्थित गोदाम में बंद रखता था। पिता ने 1 अगस्त 2023 को भी दुष्कर्म किया। इसके बाद वो तड़पती रही। 3 अगस्त को किसी तरह मौका पाकर वो गोदाम से भाग निकली। इसके बाद अपनी ताई के पास पहुंची और पूरी घटना बताई। बाद में थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं विशेष न्यायाधीश विकास गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य परिस्थितियों के परीक्षण के बाद आरोपी को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा और 91,000 रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया।